शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम आपको झारखंड के अलग अलग जिलों के प्रसिद्ध शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग के बुढ़वा महादेव मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। क्या आपको पता है कि इस शिव मंदिर का नाम पहले बुद्ध महादेव था जो कि बाद में बुढ़वा महादेव हो गया? नहीं पता तो आपको पूरी कहानी यहाँ के पुजारी के जुबानी ही सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विष्णु अलंकार और अभी मैं हजारीबाग के बुढ़वा महादेव के परिसर में हूँ और आप मेरे पीछे बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ आप देख रहे होंगे। इसमें एक शाखा है जो पीपल की शाखा, एकमात्र शाखा बची हुई है, वो आप देख रहे होंगे। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इस जगह पे आए थे और इसी पेड़ के नीचे उन्होंने रात गुजारी थी। उस वक्त यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था और उस वक्त चूँकि पूरा इलाका वीरान रहा होगा, उस बीच ये प्राचीन मंदिर रहा था, तो बुद्ध जब यहाँ पे आए तो उन्होंने रात्रि में विश्राम किया और उसके बाद ये जो महादेव हैं ये यहाँ बुद्ध महादेव से अभ्रंश होते होते अब इस जगह का नाम जो महादेव है उनका नाम बुढ़वा महादेव हो गया। यानी ये बुद्ध महादेव थे जो अब बुढ़वा महादेव हो गए। हमारे साथ जो पुजारी जी हैं वो यहाँ मौजूद हैं। क्या कहानी है? मैं इस मंदिर का प्रधान पुजारी हूँ प्रथम, और महात्मा बुद्ध रात्रि में यहाँ पर विश्राम किए थे। आज से 500-550 वर्ष प्राचीन समय और रात्रि में विश्राम किया और उसी समय से यह मंदिर जो है यह महात्मा बुद्ध के नाम से प्रचलित था और दिन प्रतिदिन लोग यात्री लोग यहाँ आते चले गए और इस मंदिर का नाम हो गया बुढ़वा महादेव। महात्मा बुद्ध से बुढ़वा महादेव का मंदिर है वो ये हुआ उस समय। हम चलते हैं कि हाँ बताते हैं। और उसी समय का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को देखने से आपको ज्ञात होगा कि महात्मा बुद्ध जब रात्रि में यहाँ पर विश्राम किए उसके बाद में इटखोरी गए और इटखोरी में एक सहस्त्र लिंग जो है वह लिंग और बुढ़वा महादेव का लिंग दोनों मिलता जुलता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें जो गड्ढा है बीच में, लोग जो भी व्यक्ति आते हैं वह मनोकामना लेकर आते हैं और बुढ़वा महादेव की कृपा से उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। ये है कि यहाँ पे कुछ और भी मूर्तियाँ हैं नहीं भी दिख रही हैं। ये बहुत प्राचीन लग रहा है। कह रहे हैं कि यार इटखोरी का जो वहाँ पे एक सहस्त्र शिवलिंग जो है हाँ हाँ उनसे उनकी वो जो बनावट है और ये एक जैसा है, एक जैसा है। और ये मूर्तियाँ क्या उस वक्त की है कि बाद में सुना है? ये बोलूँगा ये नंदी जी और पार्वती जी का मूर्ति जो है वह बाद में यहाँ पे लाए। बाद में अच्छा, आस्था बड़ी जबरदस्त है, बहुत है यहाँ बहुत, इसलिए कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं बहुत से माताएं आती हैं कि मेरी बच्ची का शादी नहीं हो रहा है, बहुत से लोग आते हैं कि ये रोग है मेरा, तो यहाँ पर आने के बाद फिर पुनः जब लौट कर आते तो बोलते कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो गया। तो इस तरह मनोकामना पूर्ण करने वाले मनोकामना पूर्ण करने वाले। अच्छा, एक चीज़ है कि बाकी जगहों पे अक्सर पट बंद हो जाया करता है या हाँ। कुछ समय के लिए, क्या यहाँ ऐसा है? हाँ, यहाँ पर है। यहाँ पर रात्रि 9 बजे में मंदिर का पट बंद हो जाता है, सुबह 4 बजे मंदिर का पट खुलता है और दिन में 1 बजे पट फिर बंद हो जाता है। अच्छा, दिन में भी बंद होता हाँ। है, क्योंकि देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हाँ। खास करके गाड़ियों का पूजा कराने के लिए। हजारीबाग में जितने भी शोरूम हैं और या 2-व्हीलर या 4-व्हीलर जो भी गाड़ी आती है तो प्रथम पूजा बुढ़वा महादेव का मंदिर में होता है, उसके बाद जहाँ इच्छा होती है फिर वहाँ पर पूजा करते हैं। लोग यहाँ भी आए भी हैं हाँ, वर्तमान में देख रहे आप बहन लोग गाड़ी अभी लगता है खरीद के आए हैं इसी मंदिर में पूजा की।
मेरा तो ऐसा कुछ नहीं था, बट मम्मी लोग यूँ करते ही पूजा करना चाहिए गाड़ी, कोई भी शुभ काम पहले नींबू फोड़ो फिर उसके बाद पूजा करो तो अच्छा एक मतलब शुभ मुहूर्त बन जाता है, तो होना चाहिए। और हम हजारीबाग में रहते हैं, ओखली मोहल्ला में, ओखली मोहल्ला में रहते हैं, शुरू से हम लोग बचपन से हजारीबाग में हैं। अब बुआ महादेव हम जब से वो संभाले यहाँ तो बहुत मंदिर वहाँ भी मंदिर सब मंदिर है, लेकिन इनका एक विशेष इसी कारण से। तो देखिए चूंकि अब जहाँ खुद बुद्ध आए हो, रात्रि विश्राम किया हो और उसके बाद से उनके नाम से उनके बाद इस जगह को लोग बुद्ध महादेव से बुढ़वा महादेव जानने लगे और आस्था इतनी ज़बरदस्त है कि शिवरात्रि या किसी भी जब यह त्यौहार होता है तो उस वक्त यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती है और दिन भर यहाँ वाहन जो नए वाहन खरीदे जाते हैं उनका उनको लोग यहाँ जरूर पहली जो पूजा होती है वो यहाँ पे जरूर होती है। इसमें लंका लगातार .in के न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।